डॉक्टर आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। नमस्ते मल्होत्रा साहब। नमस्ते। अपने वादे के मुताबिक मैं ये बैग पैसों से भर कर लाया हूँ, अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपना घर बेचकर। तुम्हें काफी देर हो चुकी है बरखुरदार, सीमा की शादी तय हो चुकी है। जी? ये रहा उसका कार्ड, तुम्हें भी इनविटेशन है। सीमा ऐसा नहीं कर सकती, आप अच्छी तरह जानते हैं वो मुझसे प्यार करती है। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो तुम्हारा वहम था। अब जाओ और सीमा को अपनी जिंदगी जीने दो। पर ये नाइंसाफी है, ये धोखा है। मैं खुद सीमा से मिलकर पूछना चाहूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। तुम अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हो तो जरूर पूछो। सोच लो। मिस्टर मल्होत्रा, आपकी बेटी मां बनने वाली है। क्या? पिताजी, ये तूने क्या किया बेटी? शादी के कार्ड भी पट चुके हैं। मुझे माफ कर दीजिए, ये शादी तो मुझे पहले ही मंजूर नहीं थी। मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? पिताजी, ये पाप नहीं, मेरा प्यार है पिताजी, और मैं इसे जन्म दूंगी। डलहौजी, वहां हमारा सेबों का ऑर्चर्ड है, यहां 9 महीने लोगों के ताने मैंने तो सह लिए, लेकिन बच्चे को इस जिल्लत से नहीं गुजरने दूंगी। मैं उसे डलहौजी में जन्म दूंगी। Okay, boys, come on, let's go. मैं भी आया। Excuse me, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जी, शुक्रिया। आपको कहाँ जाना, मैं छोड़ दूँ? Oh my God, आपको तो डॉक्टर की जरूरत है। आइए आइए, चलिए, प्लीज प्लीज। What a lovely baby. इसके पिता को जब ये खबर मिलेगी तो कितनी खुशी होगी। आप उनका नाम, टेलीफोन नंबर या पता दीजिए, मैं फौरन खबर भिजवाता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं जी, मेरे सिवा इसका कोई नहीं है। माँ की ममता और पिता का प्यार मैं ही इसे दूंगी। ऐसे, लेकिन फिर भी मैं दुनिया से कहूंगी ये सबसे खूबसूरत, सबसे ऊंचे, सबसे मजबूत
सबसे महान पिता का पुत्र है, ये हिमालय पुत्र है। मैं कल सुबह ही ट्रक्स रवाना कर दूंगा, ठीक है? बाय बाय। चलो चलो जल्दी। जल्दी करो, जल्दी करो। नमक हराम कहीं के। 5 मिनट में मुझे ट्रक लोडर चाहिए, समझे? चलो जल्दी करो। इतना क्यों बरस रहे हो? बेचारे दिन भर तो काम करते रहते हैं, कम डांटा करो। सीमा जी, डांटूंगा नहीं तो शाम तक ट्रक यहीं खड़े रहेंगे और दिल्ली पहुंचते पहुंचते सारा माल खराब हो जाएगा। जानती हूँ। अभय कब आ रहा है सीमा जी? 2-4 दिन में डिग्री मिल जाएगी और डिग्री मिलते हैं। मुबारक हो बेटे। माँ, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। मैं जानती हूँ भाई, वहाँ सबके माँ बाप आए होंगे सिवाय तुम्हारे, है ना? कोई बात नहीं माँ, मैं जानता हूँ तू नहीं आ सकती और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर तू आ सकती तो उड़ के आ जाती, है ना? हाँ भाई, इसे मेरी मजबूरी समझो या बदनसीबी, मेरे बेटे की इतनी बड़ी खुशी के मौके पर मैं शामिल नहीं हो सकी। तुम अपना दिल मत दुखाना माँ, मेरे लिए तो सूरज की हर किरण में तुम्हारा आशीर्वाद है। हाँ भाई, अपना दिल छोटा मत करना, अपने ग्रेजुएशन का जश्न खूब मनाना अपनी दोस्तों के साथ, ये दिन रोज रोज नहीं आता भाई। I love you, माँ। लो, आ गई नशे की रानी फिर से। ए चर्सी, अभय, रूबी, तुमने वादा किया था कि तुम ड्रग्स लेना छोड़ दोगी, किया था ना? सॉरी, मगर क्या करूं रूबी, ये ड्रग्स के चक्कर में तुम्हारा कॉलेज भी छूट गया और अब सुना है कि तुम एक खतरनाक गैंग के लिए भी काम करने लगी हो। क्या क्या तुम्हें अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं? मरना चाहती हो तुम? मर तो चुकी हूं तुम पर, अब क्या मरूंगी? रूबी, ये ड्रामा छोड़ दो और प्लीज अपनी जिंदगी रास्ते पे लाओ।
तुम एक बार कह दो कि आई लव यू, फिर जो तुम कहोगे वो मैं करूंगी। रूबी, आई लव यू इज अ फ्रेंड। हम अच्छे दोस्त हैं ना? और एक अच्छे दोस्त के नाते तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। और अगर तुम्हें मेरी दोस्ती की जरा भी परवाह है तो तुम ये ड्रग्स का धंधा और ड्रग्स लेना दोनों छोड़ दोगी। हाय राज, रास्ते में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं विकी, कोई मुश्किल नहीं हुई। इन ट्रकों में करीब 100 किलो माल छुपा हुआ है। आई नो, सीमा देवी को शक तो नहीं हुआ कि उनके ऑर्चर्ड का इस्तेमाल हम इस काम के लिए कर रहे हैं? डोंट वरी यार, पिछले 5 सालों से ये धंधा कर रहे हैं, वहाँ की पुलिस तक को खबर नहीं है। गुड। हाय रूबी, ये रही तुम्हारी टिकट। कल सुबह की फ्लाइट से तुम माल लेकर बॉम्बे जा रही हो। मुझे ये काम नहीं करना, मैं ये गंदी जिंदगी नहीं जीना चाहती। ये क्यों नहीं कहती कि तुम मरना चाहती हो? ये मत भूलो कि मैंने तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें बड़ा किया, कहां से कहां पहुंचाया तुम्हें। एक जहन्नम से निकालकर दूसरे जहन्नम में पहुंचा दिया, और क्या किया? इस जहन्नम से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता सीधा मौत की तरफ जाता है। कल की मीटिंग फिक्स होगी विकी? हाँ डैड, कल सुबह 8 बजे इंडोर स्टेडियम में। गुड। एसीपी सुरचना यार, राणा कल सुबह 8 बजे इंडोर स्टेडियम में पहुंचने वाला है। इसे पकड़ना चाहते हो तो लेट मत होना। तुम कौन हो? ना तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है, ना मेरे लिए बताना। हेलो हेलो, डैम इट, 105 कम इन। 105 रिपोर्टिंग सर, राणा स्टेडियम में आ चुका है, मीटिंग शुरू हो चुकी है, अब पूरी फोर्स लेके यहाँ पर आ जाइए। ओवर। गेट रेडी, हम लोग आ रहे हैं। राणा साहब, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है हमें। आप लोग पीछे के रास्ते से चले जाओ। ओके, कम ऑन, वाओ। ए भाई, मैं अपने सर पे 2 चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक पिस्तौल, दूसरा सरसों का तेल। शट अप, जब तक मैं नहीं कहूंगा कोई गोली नहीं चलाएगा। सर, नरसिंह राणा, बचने के लिए एक बेकसूर बच्चे का सहारा ले रहे हो? अरे मैं क्या बच्चा लगता हूं? चुप, बड़ों के बीच में बोला नहीं करते।
मैं तो सिर्फ बच्चे का सहारा ले रहा हूँ, तुम्हारे साथ पूरी फोर्स है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा राणा, तुम्हें इसे जान से मार डालूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी बातों में मत आइए, मैं बताता हूँ आपको प्लान। मैं अपनी कुनी से इसके पेट में मार दूंगा, वो पीछे गिरेगा। जहां इसके आदमी मेरी तरफ बढ़ेंगे, मैं सीधा समसॉल्ट मार के इसकी गर्दन अपने हाथों में जकड़ लूंगा। फिर आप आराम से पिस्तल लगाकर इसको ले जाइए। Will you shut up? It's not a joke. तुम्हारी जान खतरे में है। Seriously? मैं स्टेट जूडो चैंपियन हूँ। खेला नहीं, बोला नहीं बोला। नरसिंह राणा, तुम बच नहीं सकते, पूरा स्टेडियम घिरा हुआ है। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, मगर ये भी जानता हूँ कि जब तक ये बच्चा मेरे कब्जे में है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सर, इतनी दूर से गोली बच्चे को भी लग सकती है। राणा के लिए ये चांस लेना ही पड़ेगा। बच्चा नहीं हूं मैं। थैंक यू यंग मैन। अभय, अच्छा नाम है अभय। सूरज खन्ना, नारकोटिक्स। अब तो मुझे पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा ना, और गवाही के लिए कोर्ट भी। समझदार हो। एसीपी सूरज खन्ना, एक रात में 50 लाख कमाना चाहते हो? कौन हो तुम? एक पुलिस ऑफिसर की जिंदगी में ऐसे मौके हर रोज नहीं आते। राणा साहब को छोड़ दो तो 50 लाख तुम्हारे हो सकते हैं। तुम मुझे घूस देने की कोशिश कर रहे हो? राणा साहब तो किसी ना किसी तरह बाहर आ ही जाएंगे, लेकिन तुमने उन्हें रिहा नहीं किया तो तुम्हें 50 लाख का नुकसान हो सकता है। 50 लाख या 50 करोड़, हमें बिकने की आदत नहीं। तो फिर ये आदत बदलो, या फिर पुलिस की नौकरी छोड़ दो। Damn it. कौन था? 50 लाख में मुझे खरीदने की कोशिश कर रहा था। तो गवा दिया आपने 50 लाख। अभय, जिंदगी में मुफ्त में बिक जाना, मगर पैसों के लिए नहीं। कल सुबह 10 बजे कोर्ट में पहुंच जाना। अभी रवाना हो चुके हैं। ओके।
डोंट मूव। दिल्ली के सारे बॉर्डर सील कर दो। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर कड़ी निगरानी रखो। राणा किसी भी हालत में शहर से बाहर निकलने न पाए। ओवर। सर वीआईपी कार्स को भी? अरे किसी की भी गाड़ी हो, वीआईपी या नॉन वीआईपी, सबको चेक करो। दैट्स एन ऑर्डर। हमारे इतने लोग शहीद हुए हैं। राणा को पकड़ने के लिए मुझे अगर किसी मिनिस्टर को भी नाराज करना पड़े तो ये रेस लेने को मैं तैयार हूँ। ओवर। सांप निकल गया, अब लकीर आप कितनी भी जोर से पीटे क्या फायदा। तुम यहाँ कैसे? सुबह 9 बजे से कोर्ट में था, वहाँ पता चला कि राणा भाग गया। राणा के भाग जाने के लिए आप क्या सफाई दे सकते हैं? सफाई? Yeah, I mean, explanation. देखिए मैं जानता हूँ कि आप बहुत बिजी है, लेकिन आपने मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। यहाँ तक कि आपने मुझे राणा को ठीक से मारने भी नहीं दिया। I'm sorry. अगली बार राणा को पकड़ेंगे ना तो तुम्हारे हवाले कर देंगे। Now I'm very busy. Thank you very much. और शर्मा, सारे न्यूज़पेपर्स में राणा की फोटो दे दो। ओवर। वैसे आपको डिस्टर्ब करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बट फैक्ट्स अ फैक्ट, राणा भाग गया। सॉरी। थैंक यू सर। सैंडविच तुम्हें कहा ना मुझे नहीं खाना, ले जाओ इसे। मैं, आपने खा रहे तो मैं खा लूं, बहुत भूख लगी है। मेरी माँ कहती है, हाँ बैठो, मेरी माँ कहती है कि खाने को ठुकराना उसका अपमान करना होता है। जैसे मैं आपका सैंडविच खाने ने आपको अपना कार्ड देने आया था। राणा कभी मिल गया तो मुझे फोन कर लेना। ये रहा मेरा कार्ड। क्या चाहिए? आपका कार्ड। ओ तुम जलाजे के हो। माँ वहाँ बिजनेस संभालती है, मैं यहाँ पढ़ता था। इसी साल मेरी पढ़ाई खत्म हुई। I'm a graduate now. First class first आया मैं। Oh, congratulations. Thank you. कभी डलाउजी आए तो जरूर मिलेगा, अपनी माँ के हाथ का खाना खिलाऊंगा। वैसे भी मुझ पर आपका सैंडविच उधार है। Sure. Sure नहीं, वादा कीजिए। मैं वादा करता हूँ। अब आप जाएंगे, मुझे बहुत काम करना है। खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक बात तो अच्छी हुई। क्या? आप जैसे दिलेर ऑफिसर से मुलाकात हो गई। आप जैसे हीरो आजकल मिलते कहाँ। सी यू। हीरो। विक्की बेटे, इस गांव को अच्छी तरह पहचान लो। इस गांव का नाम है नरकाला। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तमाम फरार मुजरिमों को पनाह देकर सरहद पे मैंने ये गांव बसाया है। मेरी इजाजत के बगैर ना कोई यहां आ सकता है, ना कोई यहां से जा सकता है। यही मेरे लोग हैं, यही मेरी जड़ें हैं। तुम्हें यहां लाने का मकसद भी यही था कि तुम भी अपने जड़ों को अच्छी तरह पहचान लो। देखना बेटे, कुछ महीनों बाद जब तुम्हारा जन्मदिन आएगा तो हम किस तरह से इस गांव में तुम्हारा।
माँ जी बाहर चलिए, अभय बाबा आ रहे हैं। मैं अपने अभय को अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं उसका इंतजार यही करूंगी। जी अंदर आने में तुझे कोई तकलीफ है? नहीं, सारी दुनिया सामने के दरवाजे से घुसती है, मुझे कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना, आखिर मैं तुम्हारा बेटा हूँ। माँ जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। इसमें नई बात कौन सी है? नहा धो के कपड़े बदल लो। सारे कपड़े गंदे हैं। क्यों, दिल्ली में कोई धोबी नहीं है? है, मगर मैंने सोचा घर ही जाना है, क्या धुलवाना, वैसे सारे कपड़े छोटे हो गए हैं। फिर से? और नहीं तो क्या, देख मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, तुझसे भी बड़ा। तू मुझसे लंबा हो गया है बेटे, बड़ा नहीं। अपनी ग्रेजुएशन के लिए शिवजी को शुक्रिया अदा करो। कमाल है, मेहनत मैंने की और क्रेडिट शिवजी को। अपने देश में अपनी तमाम कामयाबियां हम भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं ताकि गरूर कभी ना हो। अगर बड़ा बनना है तो झुकना सीखो। लो झुक गया। माँ, ये कूली सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं? वो सामने वाली कोठी में। वो कोठी बिक गई? हाँ, मेजर माथुर ने ले ली है। तुम्हें याद है वो मेजर माथुर? वो सनकी मेजर, वो तो 15 साल पहले स्विट्जरलैंड चले गए थे ना। सीमा जी, सीमा जी नमस्ते। नमस्ते। अब भाई उनके सामने कुछ उटपटांग बातें नहीं करनी। कैसी हैं आप? जी ठीक हूं। ये खूबसूरत नौजवान कौन है? आपने पहचाना नहीं? नहीं तो? ये अभय है। ये अभय है? हाँ। अभय स्मार्ट बॉय, स्मार्ट बॉय। चलो अच्छा, ऐशा को भी कंपनी रहेगी। ऐशा कहाँ है? क्या बताऊँ सीमा जी, वो स्विट्जरलैंड छोड़ने को तैयार ही नहीं है। मैंने कहा बेटी, अपना वतन आखिर अपना वतन होता है। मेरा भारत महान, इतने बरस हम परदेश में रहे, आप लौट चले, नैन बिछाए, बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। स्मार्ट बॉय। तो कहने लगी, बिजली का तो ठिकाना नहीं है आपके यहाँ 24 घंटे, फिर कभी प्लेग, कभी राइटिंग, कभी ये कभी वो। बड़ी मुश्किल से राजी हुई है, वो भी इस शर्त पे कि पहले मैं जाके सारा इंतजाम करूँ, उसके 4 रोज बाद वो तशरीफ लाएंगी। गुड बॉय। हम लोग है ना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो संकोच मत कीजिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। यही तो मैं ऐशा को समझा रहा था कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। स्मार्ट बॉय। लगता है स्विट्जरलैंड में भी आप हिंदुस्तान को नहीं भूले। कैसे भूल सकता हूँ सीमा जी, लता मंगेशकर, दिलीप कुमार, देवानंद, गुरुदत्त, राज कपूर, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मैं तो अपने वतन की याद में रोया करता था। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, लेकिन ये जो मेरी बेटी है ना, उसे कुछ भी हिंदुस्तानी नहीं पसंद। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Let's hope so. उम्मीद पे दुनिया कायम है। स्ट्रॉन्ग बॉय है। तो अब इजाजत दीजिए। आई वन ओ माँ, तुमने तो कहा था कि ये रिटायर हो चुके हैं, फिर ये यूनिफॉर्म में क्यों है? हम फौजी लोग कभी रिटायर नहीं होते यंग मैन, कहनी है ये बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से, क्योंकि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। वंदे मातरम। उन्होंने सुन लिया? तुम्हें धीरे बोलना चाहिए था ना। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। आई एम स्मार्टर। Ha 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 ha!
तुम इतने बड़े हो लेकिन तुमने कभी मुझे छोटा महसूस नहीं होने दिया। बचपन से मैंने चांद को थककर तुम्हारी जटाओं में आराम करते देखा है, बादलों को लिहाफ की तरह तुम्हारे कंधों पर लिपटते देखा है, जैसे तुम्हें ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे हो। आसमान और जमीन तुमने दोनों को संभाला हुआ है, तुम्हारी तीसरी आंख से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तो क्या मांगू, बचपन से मैं तुमसे एक ही चीज मांगता आ रहा हूं, मेरी मां का ख्याल रखना, उसे कोई दुख मत देना। मेरे लिए दुनिया में उससे बढ़कर कोई नहीं है, बस इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलता हूं। और हां, कोई लड़की वड़की हो तो जरा ख्याल रखना, तुमको तो मेरी पसंद मालूम ही है। चलो मिलते हैं। सॉरी, एक चीज भूल गया, बहुत जरूरी चीज भूल गया, मैंने झूठ बोला था कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे एक बार, सिर्फ एक बार मेरे बाप से मिला देना। मैं उसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, पूछना तो मुझे तुमसे भी था कि तुम ऐसे इंसान पैदा क्यों करते हो जो बाप होने के काबिल नहीं, और अगर पैदा करते हो तो उसे मेरी मां जैसी देवी से क्यों मिला देते हो, क्यों मिला देते हो? जवाब मत दो मगर सोचना जरूर, थिंक अबाउट इट, मगर मेरे बाप से एक बार जरूर मिला देना, और जिस दिन मिलाना उस दिन थोड़ी देर के लिए अपनी तीसरी आंख मुझे दे देना, ताकि सवाल पूछने के बाद मैं उसे जलाकर खाक कर दूं।
नाटक बहुत हो गया। तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि तुम सीमा से शादी क्यों करना चाहते हो। तुम्हें दौलत चाहिए ना, और मैं तुम्हें दौलत दे रहा हूं। दौलत लो और सीमा की जिंदगी से निकल जाओ। दौलत लो और सीमा की जिंदगी से निकल जाओ। दौलत लो और सीमा की जिंदगी से निकल जाओ। हाय गाइस। ए हाय भाई, ए दिखरा तू अपन को बताया नहीं कि तू फर्स्ट आ गया। अरे कावस बहुत कोशिश की सेकंड आने की, कामयाब नहीं हो सका, फर्स्ट आना पड़ा यार। तेरे बिना तो जुकबॉक्स उदास हो गया यार। हाँ, लेकिन जुकबॉक्स है कहाँ? वहीं पर है साहब, जहाँ आजादी के पहले था, वही जगह, वही जुकबॉक्स। अभी आया। तेरे बिना डलहौजी शांत लगता यार, क्यों मार रहा यार? लड़कियां नहीं होती, इन लोगों ने कभी लड़की नहीं देखी। हर आदमी ऐसे घूर घूर के देखता है, जी चाहता है उनकी आंखें निकाल लूं। पता नहीं अंग्रेज यहाँ 200 साल रहे कैसे होंगे। बड़ी खुशी से बेटे, और गांधी जी, सरदार पटेल और नेहरू जी ने बड़ी मेहनत की थी उन्हें भगाने में। इसमें मेरे पिताजी भी शामिल थे। अंग्रेजों को भगाने में? हाँ, मेरे पिता भी शामिल थे। जो तेरे डैडी ने गोवा से पुर्तगालों को भगाया, अंग्रेजों को नहीं। देखिए मैं आपका अर्दली हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बाप को स्त्री से अलग कर दें। विल यू बोथ स्टॉप इट, मैं वापस जाना चाहती हूँ। जो डू समथिंग, कुछ कर। मैं ईशा बेबी को पलंग से बांधू? हाँ। डोंट यू डेयर। ईशा बेटी, अगर स्विट्जरलैंड में एल्प्स हैं तो हिंदुस्तान में हिमालय हैं। अगर वहाँ चॉकलेट्स हैं तो यहाँ जिलेबियाँ हैं। अगर वहाँ क्रिसमस और न्यू ईयर है तो यहाँ क्रिसमस और न्यू ईयर के साथ साथ दिवाली, दशहरा, होली, ईद, बैसाखी, एकादशी, कड़वा चौथ, संडे, वनडे क्रिकेट मैच, छाया गीत, राइड्स। जो जो कंट्रोल योरसेल्फ। और उन सारे लोगों की जयंतियां हैं जो इस दुनिया में मौजूद नहीं। जरा सोचो बेटी, साल भर में 265 दिन तो छुट्टियों के मिल जाते हैं। I don't care, मुझे वापस जाना है, I'm getting bored। ठीक है बेटी, ठीक है, एक हफ्ता इंतजार कर लो, फिर भी पसंद ना आए तो वापस चली जाना। Promise? Promise। बेबी हो बेबी, देखो चाय कैसा, ईशा बेबी चाय। जो है वो लड़का कौन था जो कल रात सैक्सोफोन बजा रहा था? अरे बेबी, ये कृष्ण कन्हैया का देश है। कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे और वो अभी सैक्सोफोन बजाता है। यहाँ का हर नौजवान कुछ न कुछ बजाता ही रहता है। मेरे पिताजी तालियां बजाते थे। उसका नाम अभय है। अभय, उम्र 19 साल, कद 5 फुट 11 इंच, वजन 60 किलो, रंग गोरा। शहर की लड़कियां उस पे टूट पड़ती हैं, मरती हैं। कुछ लड़कियां उसके बालों पे मरती है, आंखों पे मरती है, गालों पे मरती है। कत्ल करता है वो, इज अ किलर। जो तुम्हारी बंडलबाजी पापा के साथ चलेगी, मेरे साथ नहीं। मैं बंडल नहीं मार रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए। देखना तो पड़ेगा क्या है ये चीज। बड़ी है, मस्त मस्त।
ए राज, याद है मैंने अपना नाम यहाँ क्यों लिखा था? जब हम पहली बार इस ऊंचाई तक आए थे उसकी याद है ना? नहीं यार, मैंने अपना नाम यहाँ इसलिए लिखा था कि सूरज की रोशनी अपने गांव में उतरने से पहले मेरा नाम पढ़े। लेकिन पता नहीं क्यों नाम बड़ा अकेला सा लगता है। जब तू मोहब्बत करेगा ना, अपनी महबूबा का नाम इसके साथ लिख देना, फिर अकेला नहीं लगेगा। मोहब्बत, फॉरगेट इट। अब है सो क्यूट यार, मेरा बस चले तो उसे पर्स में रखकर घर ले जाऊं। सिर्फ पर्स में? हाय, मैं तो अपने दिल में बसा लूं। हाय, अभय की आंखें कमबख्त पानी पानी कर देती हैं और अभय की स्माइल AK-56 यार। अरे यार, दूरी रहना, टाडा लग जाएगा। मैंने तो अपने सारे बॉयफ्रेंड्स को होल पर रखा है, जब अभय दिल तोड़ेगा तब उनका नंबर लगेगा। अभय ना हुआ, पता नहीं क्या हो गया। हमें भी तो दिखाओ क्या चीज है ये अभय। लाइट, I don't believe this। हमारा स्विट्जरलैंड होता तो लाइट कभी ना जाती। अभय। ओह रियली? तारीफ के हिसाब से तो तुम्हें जेम्स डीन, एल्विस और टॉम क्रूज तीनों का मिला जुला अवतार होना चाहिए था, मगर निकले तुम सिर्फ क्या नाम बताया था? ओह, अब है। बचपन में हम एक दूसरे को जानते थे। मुझसे पहचान बढ़ाने के लिए इससे ज्यादा सड़ी लाइन आज तक मुझे किसी ने नहीं मारी। मैं लाइन नहीं मारा था, बस तुम्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। तुम हिंदुस्तानियों की यही प्रॉब्लम है, जहाँ मिले गड़े मुर्दे उखाड़ने लगते हो। हिंदुस्तान गड़े मुर्दों पर भी मोहब्बत का ताजमहल बनाता है, जिसे देखने के लिए सारी दुनिया यहाँ आती है। लेकिन मेरी दुनिया स्विट्जरलैंड में है, मेरे दोस्त स्विट्जरलैंड में हैं, और वैसे भी मैं यहाँ 2-3 दिन से ज्यादा नहीं रुकने वाली। 2-3 दिन? हिंदुस्तान से प्यार करने के लिए 2 लम्हे भी काफी है। प्यार, और वो भी हिंदुस्तान से? बिजली तक का तो कोई ठिकाना नहीं। पार्टनर, छोकरी बहुत बोल रही है, इसको उठा के अन्ना के अड्डे पे लेके चलते, सब झंझट ही निपट जाएगा। अरे करेक्ट बोलता है यार। हाँ, अरे शादी से पहले इतना बोलती है तो शादी के बाद पता नहीं क्या क्या बोलेगी। हाँ, अरे इसका तो पासपोर्ट निकाल के स्विट्जरलैंड भेज देना चाहिए, स्विट्जरलैंड। हाँ। नहीं नहीं नहीं, इसे तो हिंदुस्तानी सबक सिखाना पड़ेगा। तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं। अरे स्विट्जरलैंड में हमारे जैसा कौन होगा, ये हीरा तो हिंदुस्तान का है। क्या बात है। हाँ। हर कांच के टुकड़े को यही वहम होता है। अरे ये लड़की तो तुम लोगों की इज्जत का फारूदा करके गई, तुम लोगों को कुछ करना। आ गई मूर्ख, सिगरेट फेंक। स्वामी जी, अगर आप वाकई इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो बताइए इस कन्या का अगला पिछला क्या गुरुदेव? हम ज्ञानी नहीं, अंतर्यामी है मूर्ख। बोलो कुकड़ वाले बाबा की जय। इस कन्या के प्रथम स्थान में चॉकलेट दिख रहा है और दशम स्थान में ऊंचे ऊंचे पहाड़। वाह वाह वाह, लगता है ये कन्या स्विट्जरलैंड से आई है। हम जानते हैं कन्या हिंदुस्तान छोड़ना चाहती है, हम जानते हैं इसके पिताजी फौज में थे। स्वामी जी, इट्स ओके। और हम ये भी जानते हैं कि इसकी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। स्वामी जी, अगर इसकी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था तो ये पैदा कहाँ से हुई स्वामी जी? इसकी माँ का इसके बचपन में देहांत हो गया था। डरो मत कन्या, कुक्कड़ वाले बाबा सच कह रहे हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल सच। क्या तुम कुक्कड़ वाले बाबा से कुछ और भी जानना चाहोगी? हाँ हाँ। आगे हम जो भी कहेंगे कन्या के बापू से कहेंगे। चलो चलो पाओ छो। अरे मेरे नहीं, कुक्कड़ वाले बाबा के। आओ आओ। जीती रहो बेटी। जॉन, वो भालू कहीं नजर आया जो हमारे बाग से सेब चुराता रहता है? हाँ। अच्छा जाओ जल्दी से मेरी बंदूक ले आओ। लेकिन वो भालू नहीं, साधु है। कमाल है, आजकल भालू भी संन्यास लेने लग गए। साथ में ईशा बेबी भी है। क्या? ईशा, पापा। ईशा बेटी, ईशा ईशा ईशा, ये सब पापा पापा, कुक्कड़ वाले बाबा आए हैं, ये सब कुछ जानते हैं। कुक्कड़ वाले बाबा? इनको मुर्गों ने पाला था। मूर्ख,
बाबा का अपमान मत कर वरना गोवा में तेरे पिता को जेल में ही हैजा हो जाएगा। जेल में? जॉन हाँ। तू तो कहता था गोवा में तेरा बाप दर्जी है। नहीं, मैंने कहा था मेरा बाप जेब काटता है। अच्छा, जेब काटते तभी। वाह 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 वाह, धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे हैं। आइए आइए, यहाँ बैठ बिराज जी। बच्चे जी, तूने मुझे पहचाना नहीं? नहीं बाबा, मैंने नहीं पहचाना। अभय भी नहीं पहचाना? अभय भी नहीं पहचान लिया बाबा, पहचान लिया। बेटी, ये वही बाबा है जिन्होंने मुझे कहा था कि चॉकलेट वाले देश में जाओ तो हवाई जहाज से उल्टे उतरना, तरक्की होगी। इसी चक्कर में तो एयर होस्टेस से झगड़ा भी हुआ था, लेकिन तरक्की जरूर हुई बाबा। क्या बच्चे? जी बाबा। तेरी पत्नी स्वर्ग में बहुत दुखी है। मेरी पत्नी दुखी है? वो क्यों बाबा? उसकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली। अच्छा, अब समझा बाबा। वो क्या है, ईशा की माँ और शांति बड़ी अच्छी सहेलियां थी, लेकिन अब क्या करें, जब तक शांति मरती नहीं ईशा की माँ को कैसे मिलेगी? आप कहें तो शांति को उठवा ले। मूर्ख, सहेली शांति नहीं, आत्मा की शांति। लेकिन बाबा, मेरी पत्नी की आत्मा की अशांति का कारण क्या है बाबा? बिचारी इसलिए सुखी है क्योंकि उसकी बेटी ने एक लड़के का दिल दुखाया है। नहीं, किसका बेटी? आजा बेबी, आजा, आओ आओ, यहाँ खड़ी हो जाओ। अभय का। और जब तक तू प्रायश्चित नहीं करेगी बेटी, तेरी माँ की आत्मा स्वर्ग में भी तड़पती रहेगी। जैसे जल बिन मछली। मुझे क्या करना होगा बाबा? आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। बम बम करोगी? कंट्रोल बाबा, कंट्रोल। अगर करने लायक हुआ तो ईशा बेटी जरूर करेगी, है ना बेटी? हाँ बाबा। तो कल सुबह 8 बजे भैरव पर्वत पे तुम्हें अभय मिलेगा। ओके। हाँ, उसे गंगा जल से नहलाना। नहलाना मेरा मतलब है चरण धोना। हाँ। हाँ। फिर उसे अपने हाथों से आलू के पराठे और मक्खन खिलाना। अच्छा। फिर उसकी चुम्मी लेना। चुम्मी? क्या कह रहे बाबा, ये हिंदुस्तान है। ठीक है ठीक है, फिर उसे करीब लाकर। हाँ, लेकिन ज्यादा करीब भी नहीं। सॉरी बोलना, वो मान जाएगा। और बेटी, घंटे भर में घर वापस चली आना। मुझे तुम्हारे पांव धोकर तुम्हें पराठे खिलाने हैं। क्या स्विट्जरलैंड में खाने से पहले पैर धोते हैं? क्या ना, हिंदुस्तान में हम हाथ धोकर खाते हैं। लेकिन ये सब तुम क्यों कर रहे हो? कुकर वाले बाबा ने कहा है। कुकर वाले बाबा? कुकर वाले बाबा? कुकर वाले बाबा कौन? बड़े ज्ञानी महात्मा है। अच्छा, उन्हें सब कुछ पता है। अच्छा, उन्होंने ही मुझे बताया था कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। ओह, तो ये जानने के लिए कि तुमने मेरा दिल दुखाया है, तुम्हें कुकड़ वाले बाबा की जरूरत पड़ी? खुद में अकल नहीं है क्या? और चुप क्यों हो गई? उस दिन तो बड़ी टैंटा कर रही थी, निकले तो सिर्फ अभय। मैं नर्वस हो गई थी अभय। ओ क्यों? क्योंकि जो जो उन लड़कियों ने बताया था वो सब सच निकला, और जब तुम सामने आए तो दिल तो थक थक करने लगा। हाँ। नब्ज 60 से 120 हो गई। आंखें देख रही थी लेकिन दिल नहीं मान रहा था। ये तो बहुत सी लड़कियां कह चुकी है। मेरे लिए भी स्विट्जरलैंड में लड़कों की लाइन लगी हुई है। तो फिर जाती क्यों नहीं वापस? सोच रही हूँ, कुछ रुकने लायक दिख जाए तो रुक जाऊंगी। अभी तक मिला नहीं क्या? वेल, सोचूंगी। मतलब? मतलब पराठे खा के डिब्बा वापस कर देना। बाय। कुकड़ वाले बाबा का सलाम। पराठे खाकर बड़ा मजा आया। अगर मेरे दर्शन करने को दिल चाहे तो। इसके बावजूद हम अकेले 6 महीने तक लड़ते रहे। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि वो हमें इन्फॉर्म करना भूल गए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि जब भी कोई हमारी तरफ बढ़ता हम दुश्मन समझ के उस पर गोली चला देते थे। पापा, बाकी बाद में। अच्छा, क्या बात है बेटी? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो बेटी। आपने मम्मी से शादी कैसे की? जबरदस्ती। जॉन, ये हमारी पर्सनल लाइफ है, कोई वॉर नहीं है।
बेटी, पहले हमने तुम्हारी माँ से प्यार किया और फिर शादी की। बीच वाले सभी सीन गायब कर दिए। कौन से सीन? वो थप्पड़ लगने का सीन और सैंडल लगने का सीन और मेन सबके पिताजी आपको गोली मारने आए थे वो वाला सीन। लेकिन शादी तो की। आप सच में मम्मी से प्यार करते थे? हाँ बेटी, मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था। तुझे प्यार करते थे, करते रहेंगे के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। कितना प्यार करते थे? पागलों की तरह? पागल बाद में हुए, पहले शादी हुई। जॉन, ओ सिर्फ मम्मी से प्यार करते थे, किसी और से नहीं? नहीं, झूठ। मेजर शर्मा की लड़की, कर्नल वर्मा की लड़की और ब्रिगेडियर धर्मा की भतीजी। बेवकूफ, इन सब से तो दोस्ती थी। सच्चा प्यार तो हमने सिर्फ तुम्हारी माँ से किया है। काश आज वो जिंदा होती, जाने कहाँ गए वो दिन। लेकिन ये सब तुम आज क्यों पूछ रही हो? क्योंकि यहाँ के मर्द मेरे भेजे में नहीं घुसते। सर, हाँ, बीबी का भेजा उड़ा दूँ? हाँ, नहीं नहीं, जॉन जॉन, तुझे ईशा को सारी बातें बताने की जरूरत क्या थी? सारी बात कहाँ बताई मैंने? क्या मतलब? तुमने ईशा के मम्मी पे रोक डालने के लिए चार गुंडे भाड़े पे नहीं लिए थे? हैं? जिनको तुमने मारा था उनमें गुंडा मैं भी था। अच्छा याद आया, वो 40 रुपए अब तक नहीं दिए मुझे। कौन से 40? ईशा, पापा क्या ये सच है, आपने मम्मी को इम्प्रेस करने के लिए भाड़े के गुंडे रखे थे? बेटी, सच्ची मोहब्बत को पाने के लिए इंसान को क्या क्या करना पड़ता है। हाय बेबी, हमें विक्रम कहते हैं। डांस? मेरा मूड नहीं है। नहीं है तो हम बना देंगे। नो प्लीज, हमें ना सुनने की आदत नहीं है। आई सेड प्लीज। हमें प्लीज सुनने की भी आदत नहीं है। तो फिर गेट लॉस्ट सुनने की आदत होगी। नाउ गेट लॉस्ट एंड लीव मी अलोन। कम ऑन। वो बोलती है लीव हर अलोन, तो लीव हर अलोन। तू कौन है? मैं बदतमीज लड़कों को तमीज सिखाने की कोचिंग क्लासेस चलाता हूँ। मेरे क्लास में आएंगे? ईशा जरा बाहर चलो, मैं इनसे निपट के आता हूँ। हाथ तो रोक, हमारी बात तो सुन पहले, हम उसे नहीं छेड़ रहे। तो क्या पूजा कर रहे थे? नहीं नहीं, वो सौदे के मुताबिक बस हम उसका हाथ पकड़ रहे थे। कैसा सौदा? वो मैडम ने हमको पैसे दिए थे कि हम उसे छेड़े। क्यों? अरे इसलिए कि हम उसे छेड़ेंगे तो तुम उसे बचाओगे और तुम उसे बचाओगे तो। My hero, thank you. तुम्हें मेरा नहीं, उस लेखक का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसकी फिल्म से तुमने ये घटिया आइडिया लिया। बेबी, रेप का नाटक करने का तो हम पैसा लेते हैं, लेकिन असली रेप हम मुफ्त में करते हैं। Okay.
अभय घर में नहीं है। मैं कहती हूँ अभय को फोन दो। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ अभय घर में नहीं है। तुम अपना नाम और नंबर दे दो, मैं अभय से कह दूंगी, वो फोन कर देगा तुम्हें। आप अभय को फोन दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। प्लीज, आप प्लीज अभय को फोन दीजिए। तुम कम से कम अपना नाम तो बता दो। नाम फॉरगेट इट, आप उसे फोन दीजिए। Police, you are under arrest. Lay down, sir. Hello. देखिए मैं ऐसी भी सूरज खन्ना दिल्ली पुलिस से बोल रहा हूँ। मुझे आपका नाम और टेलीफोन नंबर चाहिए। हेलो, सुना नहीं आपने? आपका नाम और टेलीफोन नंबर दीजिए। हेलो, हेलो, अपना नाम और टेलीफोन नंबर दीजिए प्लीज। नहीं सीमा, नहीं, वो तुझे नहीं मेरी दौलत से प्यार करता है। वो दौलत की खातिर तुझे भी ठुकरा सकता है। वो आप ही से मिलने आ रहे हैं पिताजी। ठीक है, तेरी यही मर्जी है तो मैं उससे शादी की बात करता हूँ, लेकिन तुम सामने मत आना। जी। मैं देखना चाहता हूँ कि वो तुझे कितना प्यार करता है। मुझे यकीन है कि जल्द ही मेरी बात की सच्चाई का तुझे पता चल जाएगा। ये 20 लाख रुपए हैं, अपनी तरफ से दे रहा हूं। इनसे अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीद लेना, एक गाड़ी और बाकी जरूरत का सामान। और हाँ, सीमा को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है और मैं चाहूंगा कि तुम उसे कुछ बताना भी नहीं। अगर वो पूछे तो कह देना कि ये तुम्हारी अपनी कमाई है। लेकिन मल्होत्रा साहब, देखो सूरज, नाटक बहुत हो गया। तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि तुम सीमा से शादी क्यों करना चाहते हो। तुम्हें दौलत चाहिए ना,
और मैं तुम्हें दौलत दे रहा हूँ। दौलत लो और सीमा की जिंदगी से निकल जाओ। मान गए मल्होत्रा सर, आपने मुझे पहले मना कर दिया। मैं सचमुच सीमा से आपकी दौलत की वजह से शादी करूंगा। मैं सचमुच सीमा से आपकी दौलत की वजह से शादी करूंगा। मैंने उससे कहा कि आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पिताजी, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया और कानों से सब कुछ सुन लिया। आप सही थे, मैं गलत थी। सूरज को पहचाने में मैंने भूल की पिताजी। भूल सबसे होती है बेटी। अब ये आंसू पोंछ डालो, देखना मैं तुम्हारे लिए कैसा राजकुमार ढूंढ कर लाता हूं। उसे भूल नहीं सकती? क्या हम ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते जिसमें उसकी कोई जगह ना हो, उसकी यादें ना हो, उसका नाम ना हो? क्या हम उसे आजाद नहीं हो सकते? अभय, हर औरत की कहानी में एक नाम होता है जिसे न मिटाया जा सकता है न बदला जा सकता है। चाहे वो मर्द उसे प्यार करे या ठुकरा दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी कहानी से भी वो नाम अलग नहीं हो सकता अभय। तो फिर बता क्यों नहीं देती उसका नाम? बता दूंगी तो क्या करोगे? उसका पता लगाकर उससे जवाब मांगूंगा, इंसाफ मांगूंगा। अगर कुछ नहीं मिला तो क्या करोगे? उसे खत्म कर दूंगा मैं। और जेल चले जाओगे या फांसी चढ़ जाओगे, ये जानते हुए भी कि मैं सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा देख देख कर जी रही हूँ। और मेरे चेहरे में उसका चेहरा देख देख कर मरती रही हो। वो कौन है? कैसा बाप है जो न हमें जीने देता न मरने देता है? मैं जितनी भी उसे नफरत करता हूं उतना ही उसे याद करता हूं, और जितना उसे याद करता हूं उतनी उसे नफरत करता हूं। तुम तो उसको जानती हो, मुझे तो उसका चेहरा तक पता नहीं। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं किससे नफरत कर रहा हूं। दर्द ही हमें बड़ा करता है अभय। खुशियां तो खिलौना होती है, बड़ा होने के लिए उन्हें छोड़ना पड़ता है। तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हारे लिए कहना आसान है, लेकिन मैं मां, तुम जानती हो हमारे समाज में उसे क्या कहा जाता है जिसे अपने बाप का नाम पता ना हो, जानती हो ना? ये तुम उस माँ से पूछ रहे हो जो 20 साल से कुंवारी है? अभय, तुम नाजायज नहीं हो अभय, क्योंकि तुम्हें मेरे प्यार ने जन्म दिया है। मेरी मांग सुनी हो तो क्या हुआ, मेरी गोद तो भरी है। मैं अभागी नहीं हूँ अभय, अभागा तो वो है जिसे ये तक पता नहीं कि जिसे वो धूल समझकर ठोकर मार आया था उसमें से ऐसा सूरज पैदा हुआ है। उस शख्स की परछाई ने हमारी जिंदगी में अंधेरा कर रखा है मां, और कभी कभी यह परछाई हिमालय से भी बड़ी हो जाती है, और तब मैं पागल हो जाता हूं।
भले ही उसका नाम मत बताओ, लेकिन मुझे अपने शिवजी पे भरोसा है कि वो एक न एक दिन जरूर उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर देंगे, और तब तब सिर्फ वो होगा, मैं हूंगा, और हम दोनों के बीच होगी शिवजी की तीसरी आंख। जी साहब, रूबी हॉस्पिटल में है, उसके ठीक होते ही इंस्पेक्टर सूरज पूछताछ करेगा, उससे पहले उसकी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दो। राणा के कारोबार और उसके साथियों की जानकारी देकर तुमने हमारी बहुत मदद की है रूबी, लेकिन इससे तुम्हारी जान को भी खतरा पड़ सकता है। मैं जानती हूं, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। तुम्हें सरकारी गवाह बनाकर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि तुम्हें कम से कम सजा हो और तुम फिर से एक नॉर्मल जिंदगी जी सको। थैंक यू। ड्रग्स छोड़कर तुम कितनी अच्छी लग रही हो। गुड लक। ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूं अभी। सूरज बोल रहा हूँ। हाँ सूरज। डलाउजी में कुछ सीमा ऑर्चर्ड है जहाँ से ड्रग्स एप्पल के क्रेट्स में छुपाकर भेजे जाते हैं। नहीं, नहीं। चलो रूबी। मत छूना मुझे। आगे मत बढ़ो। जाने की तैयारी करता सूरज का कोई ना कोई तो जरूर होगा। मां बाप, भाई बहन, जरूर कोई ना कोई होगा। तैयार करो विक्की को। बचपन में कितना डरता था उसे, कहता था मैं जल जाऊंगा। हाय हैंडसम, किसी खूबसूरत लड़की की जरूरत है क्या?
तुम यहाँ? तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी लेकिन अचानक। ए, मुझसे नाराज हो? तुम एक बार, सिर्फ एक बार कह दो कि तुम नाराज हो तो मैं वापस चले जाऊंगी, कल सुबह ही वापस चले जाऊंगी, प्रॉमिस। नाराज नहीं हूँ रूबी। तो खुश हो है ना? आई लव यू अभय। रूबी तुम्हें कैसे समझाऊं? मैंने तुम्हें किसी परेशानी में डाल दिया है? परेशानी में नहीं लेकिन यार साफ साफ क्यों नहीं कहते कि क्या बात है? बताओ। आई एम इन लव। हाँ रूबी, आई एम इन लव। जिंदगी में पहली बार मेरी घंटी बज गई। उसके सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। दोस्त तो बहुत है लेकिन प्यार बस एक ही है। बहुत खूबसूरत है। बला की खूबसूरत। उसके बाल बस कमाल के हैं। उसकी होंठ, उसकी आंखें कमाल के हैं। और उसका जिस्म, वो भी कमाल ही होगा। तुम्हें खुशी नहीं हुई? I'm very happy for you, Abhay. कोई देख रहा है? कौन है? तो ये है तुम्हारा प्यार? कौन है ये? ईशा, ये है रूबी। छोड़ो ना, मैं तो बस तुम्हारी ही तारीफ कर रहा था। तुम्हारे बालों की, आंखों की, होठों की। बताओ ना ऐसे रूबी। मैं इसमें नहीं फंसने वाली, मैं तो चली। अरे ईशा, ईशा, गेट लॉस्ट। मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती ऐसे, गेट लॉस्ट। क्या बात है हैंडसम मैन, तुम दरवाजा छोड़ के खिड़की से घुसने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अंकल मुझे आपकी मदद चाहिए। ओह या, व्हाई नॉट, लेट्स डू इट टुगेदर। यहाँ से नहीं, यहाँ से। ओह हाँ, चलो सर। सर अभी बताता हूँ सच में हुआ क्या था। क्या कर रहा है? बैठो और देखो। अंकल आप ईशा है? अरे बेटे मैं ईशा का बाप हूँ। ये कह रहा है, प्लीज थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप ईशा हैं। मान लो। ओके, जो तुम रूबी हो। रूबी? हाँ। मैं ऐसे क्यों नहीं हो सकता? बेवकूफ ईशा मैं हूँ, सुना नहीं तुमने? सिर्फ इसलिए कि तुम उसके बाप हो? हाँ। जो प्लीज ध्यान से देखो। हाँ देख रही हूँ, देख रही हूँ। रेडी एवरीबडी? फौजी हमेशा रेडी होता है। पूछ रहा रेडी हो? सुनो सुनो। जो आई मीन रूबी, तुम मेरे करीब आना। रूबी एक बार फिर से कहो, वंस मोर। इडियट, आंखों में आंखें डाल, इधर नहीं प्यार से वहां देख। अंकल आपको कुछ नहीं बोलना है, आप ईशा हैं, आपको सिर्फ सुनना है। सॉरी सॉरी सॉरी, कंटिन्यू। रूबी मुझे प्यार हो गया है। आई एम इन लव रूबी, आई एम इन लव, ही इज इन लव। फिर मुझे इस मेजर की दुनिया से दूर ले चलो। इनकी फटीचर कहानियां सुनते सुनते, इनके थप्पड़ खाते खाते मैं बोर हो गई हूं। नो जो, तुमको मुझे गले मिलकर बोलना है सच। सच? इडियट, तू तरबूज पकड़ रहा है, गले मिल रहा है? ठीक से गले मिल। अंकल इट्स रॉन्ग, आपको आखिर में आना है। ओह सॉरी सॉरी। हाँ रूबी, आई एम इन लव। जिंदगी में पहली बार मेरी घंटी बज गई। आई एम इन लव रूबी, आई एम इन लव। उसके सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो फिर मुझे क्यों पकड़ रखा है? छोड़ मुझे जालिम। जो तुमको कुछ नहीं बोलना है। जो प्लीज कोऑपरेट, दैट्स एन ऑर्डर। थैंक यू रूबी। दोस्त तो बहुत हैं लेकिन प्यार बस एक ही है। बहुत खूबसूरत है वो। पला की खूबसूरत। उसके बाल बस कमाल के हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारी बात कर रहा है ना वो। उसकी आंखें, उसके होंठ, होंठों की बात भी कर रहा है। वो भी कमाल के हैं। और उसका जिस्म, वो भी कमाल का ही होगा। करेक्ट। जिस्म? ईशा नहीं। अभय तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अंकल आपकी एंट्री। ओके ओके। ये क्या हो रहा है? यही है तुम्हारा सच्चा प्यार? कौन है ये? ईशा ये है रूबी। रूबी ये है ईशा। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू।
बेटी ऐसे ही कहा था ना तुमने? लेकिन अभय बेटा तुम इसे चिपक क्यों गया फिर से? डर के मारे। ओ देखा, डर के मारे चिपक गया था, यूं ही खामा का। चुपको 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 चुपको, छोड़ छोड़ छोड़। फिर मैं बस तुम्हारी तारीफ कर रहा था। ओह रूबी, कुछ बोलो ना इसे। मैं क्यों बिल्कुल पढ़ू? तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। हाँ। समझे? यहाँ थप्पड़ मारा था। ओ, ओ, ओके। नहीं, उसी ने मुझे। ओ, ये। क्यों, मैंने कुछ गलत किया क्या? हेलो, अभय के आसपास नजर आओगी तो मारी जाओगी। कौन हो तुम? तेरी मौत और अभय की जान, रूबी। या तो तुम पागल हो या सपना देख रही हो। सपना नहीं, हकीकत। तुम्हें शक हो तो मैं तुम्हें भी दिखा सकती हूँ, और उसके बाद तुम अपनी आंखें फोड़ लेना। तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही हो? धमकी नहीं, मशविरा। मैं अभय से प्यार करती हूँ, और जो भी हमारे बीच जाएगा मैं उसे चीर के रख दूंगी। अरे जा जा, फोन पे शेरनी बनती है। हिम्मत है तो सामने आके बोल। हिम्मत है तो तू माउंट व्यू गेस्ट हाउस में आ जा और खुद देख लेना अभय किसका है। आऊंगी और तुझे भी देख लूंगी। हाय रूबी। हाय अभय, कैसी हो? कहो किस लिए बुलाया है? तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। सरप्राइज? आज ना तो मेरा बर्थडे है ना तुम्हारा, ये कहाँ ले जा रही हो तुम मुझे? वो भी एक सरप्राइज है। कम ऑन रूबी, डोंट वेस्ट माय टाइम। कहो किस लिए बुलाया है? ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है। मजाक छोड़ो यार रूबी, बी सीरियस नाउ। तुम किसी सरप्राइज के बारे में बात कर रही थी ना? वो भी आती ही होगी। बहुत हो गया रूबी। हम दोस्त जरूर है लेकिन दोस्ती में भी बेतकलूफी की एक हद होती है, और तुम वो हद तोड़ रही हो रूबी। तुम्हारे लिए मैं सभी हदें तोड़ सकती हूँ अभय। हाय ईशा, अंदर आओ ना। दोस्तों में पर्दा कैसा? ईशा ये तो पागल है। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गई हूँ अभय। ईशा, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। सुना, मेरा कोई कसूर नहीं। ऐसा मौका मिले तो कौन मर्द छोड़ना चाहेगा? ईशा ये झूठ बोल रही है। She is lying. वो झूठ बोल सकती है लेकिन मेरी आंखें तो नहीं। मेरा यकीन करो ईशा, ट्रस्ट मी, आई कैन एक्सप्लेन। तुमने मुझे धोखा दिया, झूठे मक्कार बेईमान। प्लीज ईशा मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। मुझे कुछ नहीं समझना। आई हेट यू, आई हेट यू। सुसेन, पहाड़ों में मेरा नाम अकेला था, अकेला था। आज मैंने इसके साथ, आज मैंने इसके साथ तुम्हारा नाम भी जोड़ दिया है, नाम भी जोड़ दिया है, नाम भी जोड़ दिया है, नाम भी जोड़ दिया है। जब तक ये पहाड़ रहेंगे, ये पहाड़ रहेंगे, हमारा इश्क भी जिंदा रहेगा, भी जिंदा रहेगा, भी जिंदा रहेगा। यही है वो। वो? ये तो ईशा है। ईशा तो है मगर वो भी है। ये वो क्या होती है? वो यानी वो माँ जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी का एक एक दिन, एक एक रात बिताना चाहता हूँ। वो यानी वो माँ जो दिन रात तेरी सेवा करेगी, तेरे कहने पे चलेगी, तू जो कहेगी करेगी। अच्छा वो सब तो ठीक है, तनख्वाह कितने लेगी? माँ मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। पहले क्यों नहीं कह दिया? इतनी लंबी चौड़े हाथने की क्या जरूरत थी? हाँ पाउछो, इसकी कोई जरूरत नहीं बेटी। इसके बिना ही मैंने तुम्हारे पिताजी से बात कर ली है, यहाँ तक कि सगाई की तारीख भी मैंने और मातुर साहब ने तय कर ली है। क्या? हाँ और नहीं तो क्या। तुम दोनों ने हमें अंधा, हमें तो मालूम था आज नहीं तो कल तुम दोनों आकर जरूर हमें अपना फैसला सुनाओगे। शिवरात्रि को हमने तुम्हारी सगाई तय कर रखी है। लेकिन शिवरात्रि तो दो दिन बाद ही है। क्यों, कोई एतराज है? नहीं नहीं। गाड़ी के पेपर्स दिखाओ और डिक्की भी खोलो। क्या
राणा ने इंस्पेक्टर को मार दिया दिल्ली बॉर्डर पर। अच्छा मैं अभी एसीपी साहब को फोन करता हूँ। उसकी लाश कम दूर पर कितनी भारी होती है जानते हो सूरज? राणा एसीपी साहब के घर में चलो। अच्छा तेरा कोई नहीं है, तेरी कोई औलाद नहीं, कोई बीवी नहीं, वरना मैं उनको तड़पा तड़पा के तेरे सामने मारता ताकि तुझे एहसास हो कि एक बेटे से जुदा होने का गम क्या होता है। अब मैं तुझे पहले जलाकर राख करूंगा, उसके बाद मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार करूंगा। के लिए देर हो रही है, मेजर माथुर और ईशा इंतजार कर रहे होंगे और शिव जी भी। हाँ हाँ चलो ना। सीमा, सीमा! क्या हुआ माँ? ऐसा लगा मुझे किसी ने पुकारा। चलो कि बेटे, मैंने कसम खाई थी कि मैं इंस्पेक्टर सूरज खन्ना को खत्म करने के बाद तेरा अंतिम संस्कार करूंगा। आज वो दिन आ गया है। राणा साहब, खबर मिली है कि इंस्पेक्टर सूरज खन्ना अभी जिंदा है। डलहौजी पुलिस को खबर कर दी? यस सर, पठानकोट स्टेशन पर इंस्पेक्टर शर्मा आपको लेने आएंगे सर। ओके, ठीक है। Thank you.
लोगों को पहचानने में आज तक मुझसे कभी कोई गलती नहीं हुई सूरज, और तुम्हें तो मैं देखते ही पहचान लिया था। नहीं मल्होत्रा साहब, आपने मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना। अगर आप ईमानदारी से साफ साफ ये कह देते कि आप मुझे सीमा के काबिल नहीं समझते तो मुझे खुशी होती, लेकिन नहीं, आपने सबसे पहले मेरी हैसियत का बड़ी खूबसूरती से मजाक उड़ाया, फिर मेरे आत्मसम्मान को बड़ी होशियारी से चोट पहुंचाने की कोशिश की, और जब आप दोनों बार नाकामयाब रहे तो सीधे मुझे खरीदने पर उतर आए। इंस्पेक्टर सूरज, हम सिपाही हैं मल्होत्रा साहब, एक मामूली सी तनख्वाह पर अपनी जान की बाजी लगाने वाले लोग हैं हम। मैं तो अपने प्यार के बदले सीमा को मांगने आया था, लेकिन आपने सिर्फ 20 लाख रुपयों के बदले मुझसे अपनी बेटी को खरीदने की कोशिश की। आपसे ज्यादा ना समझ व्यापारी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये रहे आपके 20 लाख, ये खाली बैग मैं लेकर जा रहा हूं मल्होत्रा साहब, और इसे मैं अपने 20 लाख रुपयों से भरकर लाऊंगा, और तब मैं आपसे सीमा का हाथ मांगूंगा। बीस लाख इकट्ठे करते करते बूढ़े हो जाओगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेलकम टू पठानकोट। थैंक यू। चले, गाड़ी रेडी है सर, चलिए। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ अभय, ऊपर से तुम इतने हंसते खेलते हो, इतने शरारती दिखते हो, किसी को अंदाज़ ही नहीं हो सकता कि तुम्हारे अंदर इतना दर्द छुपा होगा। मुझे खुशी है ईशा कि इस दर्द को बांटने वाला कोई मिल गया। मुझे खुशी है कि मैं स्विट्जरलैंड वापस नहीं गई। ईशा तुम पहली लड़की हो जिसे देखकर मैं सपने देखने लगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। अभय, इंस्पेक्टर साहब आप? हाउ आर यू? फर्स्ट क्लास। मिलवाओगे नहीं? सॉरी सर, ईशा ये है इंस्पेक्टर सूरज खन्ना। नमस्ते। ईशा, नमस्ते। ये तो उसका नाम हुआ, आगे क्या? आगे मतलब? मतलब ये तुम्हारी क्लास फेलो है, फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है? मेरी सब कुछ है। ओह, तुम्हारी पसंद की दाद देता हूँ। थैंक यू। लेकिन सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक जरूरी काम से आया हूँ। क्या फिर कोई आपकी कैद से भाग गया? नहीं नहीं नहीं, आपकी बार किसी को कैद करने आया हूँ। लेकिन उससे पहले एक प्रॉमिस, याद है आपने दिल्ली में वादा किया था? वादा सर कि आप डलाउजी आकर मेरी माँ के हाथ का खाना जरूर खाएंगे। अभय, आई एम वेरी बिजी। नो नो, नहीं नहीं सर, आपने वादा किया था, प्लीज। फिर कभी? नहीं सर, सर वैसे भी मुझ पर आपका सैंडविच उधार है। ओके, आज शाम को 7 बजे। ओके। उस इंस्पेक्टर का जवाब नहीं मान, क्या हाइट है तुमसे भी ज्यादा। हाँ हाँ, मुझसे भी ज्यादा। उनके बाजू कमाल है, उनके शोल्डर्स कमाल है, उनकी उनकी ये जो चाल है ना, एकदम चीते की तरह। He's a really tough cop, ma. इतना दिलेर, इतना वफादार, इतना सच्चा पुलिस ऑफिसर मैंने कभी नहीं देखा। कोई भी बेखौफ अपनी जिंदगी उनके हवाले कर सकता है, इस यकीन के साथ कि he will take care of you। वो कभी धोखा नहीं देंगे और न खतरे में पड़ने देंगे, और अगर पड़ भी जाए तो अपनी जान देकर बचा लेंगे। अच्छा? हाँ, he's too much. शायद वो आ गए। नमस्ते सर। हाय अभय। आइए। मैं लेट तो नहीं हुआ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ओह, लाइट चली गई। अरे अरे, चुन चुन खाइयो मांस, दोने ना
मेरी माँ, माँ इंस्पेक्टर सूरज खन्ना। नमस्ते। नमस्ते। व्हाट फन, कैन लाइट डिनर? गवर्नमेंट जी, थैंक यू। अभय रामू से कह दो खाना लगा दे। हाँ। अभय अक्सर आपकी तारीफ किया करता है। मैंने भी आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। सुना है? कोई भी बेखौफ होकर अपनी जिंदगी आपके हवाले कर सकता है, इस यकीन के साथ कि आप उसकी हिफाजत करेंगे। कभी कभी यकीन पर से भी यकीन उठ जाता है। यकीन वही होता है जहां प्यार होता है। बहुत खुशनसीब हैं आप कि आपको प्यार करने वाला कोई है। अक्सर खोने के बाद ही चीजों की कीमत का एहसास होता है। बैठिए। सर, कैन आई टेक योर कोट? ओह यस। बिजली यहां अक्सर चली जाती है? बिजली यहां कभी कभी आती है। ओह, फिर तो बहुत तकलीफ होती होगी। अंधेरों की आदत पड़ जाए तो आदमी उजालों का मोहताज नहीं रहता। फिर भी उजाला उजाला है, एक जरूरत है। उजाले सपने छीन लेते हैं। लगता है आपको उजालों से नफरत है। मुझे अंधेरों से प्यार है। क्यों? उजालों की दी हुई बदनामी अंधेरा अपनी गोद में छुपा लेता है। एक्सक्यूज मी, मैं भी यहाँ हूँ। ये आप लोग क्या बात कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खाना हो जाए, आई एम स्टार्विंग। ये कोई नई बात थोड़ी है। दिखा है मगर अच्छा है। बहुत दिनों के बाद ऐसे खाने को मिला है। मैंने कहा था ना माँ, he will love it। मुझे तो पता नहीं था आप क्या पसंद करते हैं। इसलिए मैंने कहा जो मुझे पसंद हो वही बनाओ। सीमा, मेरी तो तुम्हारे खाने पर ही घंटी बज गई है। क्या खाना बनाती हो तुम, वाह! और तुम्हारे खीर का तो जवाब नहीं। कल से आपकी डाइटिंग शुरू, मीठा बंद। आपको कुछ मीठा दूं? जी नहीं, मैंने मीठा खाना छोड़ दिया। तो फिर कॉफी हो जाए। सच कहूं इंस्पेक्टर साहब, आज खाने में बहुत मजा आया। वरना हमेशा मार में अकेले खाते हैं। अकेले क्यों? अभय के पिता? जब मैं बहुत छोटा था तब उनका देहांत हो गया। आई एम सॉरी। जिंदगी सब कुछ दे देती है सिवाय उस चीज के जो हम चाहते हैं। तब तो अभय को बड़ा करने में आपको काफी तकलीफ उठानी पड़ी होगी। बड़ा तो जिंदगी कर देती है, मुश्किल होता है सवालों के जवाब देना। आप लोग फिर किसी दूसरे ट्रैक पे चले गए। प्लीज कम बैक। काफी देर हो चुकी है, मैं चलता हूँ। फिर कब आएंगे? जब बुलाओगे। कल? ओके मैम। अभय, इंस्पेक्टर साहब अपना काम करने आए हैं, उनका वक्त कीमती है। हाँ, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, मैं चलता हूँ।
आपका लाइटर। चट्टानों की आंखों में आंसू, चट्टानों के सीने से ही ज्वालामुखी फूटते हैं अबे। तब तो कोई बहुत बड़ा दर्द होगा। जिंदगी में हम जिससे बचना चाहते हैं ना, उसी से टकराते रहते हैं। जिसे भूलना चाहते हैं, उसे भूलने की कोशिश में और याद करते जाते हैं। आज मैं एक और ही सूरज खन्ना को देख रहा हूं। अभी तुमने देखा ही क्या है अबे, बहुत कुछ देखना बाकी है। लाइफ इज वेरी हार्ड। चलो मैं तुम्हें अपने एक दोस्त के यहां ले चलता हूं, वो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। सच्ची? हाँ चलो। कैसा लगा? अद्भुत। इतनी ऊंचाई पर इतनी विशाल मूर्ति किसने बनाई, कब बनाई? कोई नहीं जानता। यह मूर्ति इन पहाड़ों जितनी पुरानी है। पता नहीं कौन था जिसने एक पत्थर को तराश कर पकवान बना दिया। आदमी पत्थर तराश कर भगवान बना सकता है अभय, लेकिन खुद अपना टूटा हुआ दिल नहीं जोड़ सकता। कौन थी वो? बताने का ना ये मौका है ना मकाम। मैं तो इन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता देता हूं, अपनी सारी ख्वाहिशें इनके सामने रख देता हूं। ये तमाम ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं? अभी तक तो सारी ख्वाहिशें पूरी की है, सिर्फ एक छोड़कर। कौन सी? बताने का ना यह मौका है ना मकाम। सूरज खन्ना के आने का मतलब है रूबी ने उसे सब कुछ बता दिया है। अब यह जगह हमारे लिए सेफ नहीं है राज। इसमें 20 करोड़ का माल है, इसे संभाल के कहीं छुपा दो। रूबी और सूरज खन्ना के साथ क्या करना है मैंने सोच रखा है। खबरदार, होल्ड ऑन, डोंट मूव। अपने हाथ ऊपर करो और अपने अपने हथियार जमीन पर फेंक दो। राज तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। बैग जमीन पर फेंको और अपने आप को मेरे हवाले करो। जल्दी करो, जल्दी करो मैंने कहा। अरे
भी नहीं सकती थी कि राज ऐसा निकलेगा। मैंने उसे अपने बेटे की तरह माना, उस पर भरोसा किया, उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। इंस्पेक्टर सूरज खन्ना पता न लगाते तो न जाने ये सब कब तक चलता रहता। आप खुशनसीब हैं कि सूरज खन्ना ने आपको बदनामी और परेशानी से बचा लिया। अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो? मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ ईशा, मुझे माफ कर दो। ये भी तुम्हारी कोई चाल होगी, कोई नया खेल होगा? मेरी कोई चाल नहीं, मेरा कोई खेल नहीं। आपके औरचित में हमारा एक माल से भरा हुआ बैग था जो इस वक्त सूरज खन्ना के पास है। शायद आप दोनों के जाने मुझे वो बैग वापस दिला दें। आपको हमारे साथ चलना होगा। चलेंगी ना? चलेंगी ना? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, कोई राणा मेरी बेटी और सीमा देवी दोनों को उठाकर ले गया है और कहलवाया कि ड्रग्स अगर चंद्री लाना ना पहुंचे तो दोनों को मार डालेगा। देखिए, सर अब है स्ट्रॉन्ग रूम से ड्रग्स का बैग लेके भाग गया है। ज़्यादा जिसने तेरी जान ली है आता ही होगा। कोई भी इंस्पेक्टर सूरज पे गोली नहीं चलाएगा, उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। समझाए, समझाए, समझाए। इंस्पेक्टर सूरज कहाँ है? तुम्हें इंस्पेक्टर सूरज से क्या लेना देना? तुम्हें ड्रग्स चाहिए ना, और मुझे मेरी माँ। राणा मेरी माँ को छोड़ दो वरना मैं ये ड्रग्स नीचे नदी में फेंक दूंगा। अब है, ये ड्रग्स मेरे हवाले कर दो। हे बच्चे, अगर ये ड्रग्स तूने इंस्पेक्टर को दिया तो मैं तेरी माँ पर गोली चला दूंगा। इंस्पेक्टर, मुझे ये ड्रग्स राणा को देनी पड़ेगी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। दैट्स अ गुड बॉय। तुम ये ड्रग्स मेरे हवाले करते हो या नहीं? मेरी माँ की जान खतरे में है। राणा, ये लो अपनी ड्रग्स। अब है, मुझे मजबूर मत करो वरना मुझे गोली चलानी पड़ सकती है। आपका मतलब है आप मुझे गोली मार देंगे? अगर जरूरत पड़ी तो। मुझे यकीन नहीं आता। मुझे यकीन है सूरज खन्ना, तुम्हारी दिलेरी का जवाब नहीं। मुझे तो तुमने पहले ही खत्म कर दिया था, आज अपने बेटे को भी खत्म कर दो। बेटा, अभय मेरा बेटा है। हाँ, जिस पर तुमने पिस्तौल लगा रखी है वो तुम्हारे बेटे का सर है, और तुम्हारी गोली चलने के बाद उसके सर से जो खून बहेगा वो तुम्हारा अपना खून होगा इंस्पेक्टर सूरज खन्ना। अभय मेरे बेटे, तो तू है मेरा बाप? तू है जिसने पैसों के लिए मेरी माँ का प्यार बेच दिया, मेरा बचपन बेच दिया? अब इसके लिए आओ, मार डालूंगा मैं तुझे, आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारी माँ को धोखा नहीं दिया था भाई, तुम्हारी माँ ने मुझे ठुकराया था। ठुकरा कर तो तुम गए थे मुझे। बैग में मेरे नाना के दिए हुए 20 लाख रुपए भर कर ले गए थे तुम। बैग? वो बैग खाली था सीमा, वो बैग खाली था। अभय झूठ, झूठ, झूठ मैं नहीं बोल रहा हूँ, झूठ तुम्हारे पिताजी ने बोला था तुमसे और मुझसे। उनके दिए हुए रुपए मैं उनके मुंह पर मारकर वो खाली बैग अपने रुपयों से भरकर लाने गया था, और जब मैं लौटा तो तुम्हारी शादी की तैयारियां हो चुकी थी। पिताजी, उसे रोको, उसे रोको। किसे? सकता था 50 लाख या 50 करोड़ हमें बिकने की आदत नहीं,
अभय, जिंदगी में मुफ्त में बिक जाना मगर पैसों के लिए नहीं। मुझे पता चलेगा जब बेटे के सीने पर गोली लगती है तो बाप का दिल कैसे छलनी होता है। मैंने एक गुनहगार को खत्म किया राणा, लेकिन तूने अपने जहर से हजारों लाखों बेगुनाहों को राख बना दिया। मारो इसे, मारो इसे, इतना मारो कि दोबारा बोल ना सके। तो तुम्हें विधवा होने का हक भी मिल गया। राणा, हिमालय का सीना छलनी करने की बहुत से दुश्मनों ने जुर्रत की मगर कोई उसे झुका नहीं सका, और आज तो उसके साथ हिमालय पुत्र भी है। Thank you.
राज डोंट मूव नमक खराब डोंट मूव चुपचाप खड़े रहो अभय माँ तुम ईशा को संभालो शिव भोले हम हैं तेरे दिल भोले